सात सूत्रीय मांगों को लेकर अभा विप ने सौंपा ज्ञापन। विद्यार्थी परिषद ने आज कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। सात सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में जो मांग रखी गई उसमें अशासकीय संस्थाओं के द्वारा शिक्षण फीस न लेकर पूरी फीस वसूली जा रही है, इस पर तत्काल कार्यवाही करें। साथ ही सभी अशासकीय विद्यालयों की एक समान हो, छात्रवृत्ति केवल 30% वितरित हुई है उससे भी दिलवाया जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पुरुषों महिला प्रसाधन बहुत कम हैं, जो हैं उनकी साफ सफाई नहीं होती और उनकी साफ सफाई करवाकर प्रसाधन की संख्या बढ़ाई जाए। छात्रों को जल्द से जल्द आवास भत्ता दिया जाए और साथ ही पुस्तकालय और वाचनालय का सुचारू रूप से संचालन किया जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूलों में टीसी के नाम पर फीस वसूली जा रही है और टीसी समय पर दी नहीं जा रही है, और उस शहर में लाइब्रेरी नहीं है उसके लिए मांग की गई है, एवं शहर में वाई फाई जोन के लिए और घटित घटनाओं को लेकर, एवं फीस आवास भत्ता जो छात्रों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, और जो फी अभी स्कॉलरशिप आती है ओबीसी एससी एसटी वालों की तो वो 30% छात्रों की आई है, 70% छात्र अभी रहे हैं। मांगे नहीं मानी जा रही है, क्या करने वाली होगी? पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन को से निवेदन किया कि 7 दिनों में 7 सूत्रीय मांग का पूरा होना चाहिए, नहीं तो उर्ग आंदोलन करने के लिए जिम्मेदार रहेगी जिला प्रशासन।